खाना बदोश की जिंदगी बसर करने वाले गुजर बकरवाल अगर हर साल आमद के बैद माल मवेशी लेके जंगलों की तरफ रुख कर लेते हैं, ताहम इस दौरान वो कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आज हमारे नामोनिगार बशीर अहमद खान से उन्होंने मंडीपोरा से बात की। उनका कहना है कि हर साल के आमद के बैद हम जो ही माल मवेशी को लेके जंगलों की तरफ रुख कर लेते हैं तो इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के बड़े बड़े दावे, चाहे वो मेडिकल कैंप हो या और सहूलियात फराहम करने में वो आज तक नाकाम ही रहे। उनका ये कहना है कि इस दौरान हम किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं जो अल्लाह ही जाने। पेशे हमारे नुमाइंदे बशीर खान की बांडीपोरा से ये एक खास रिपोर्ट। मैं आप इसके पीछे पीछे पढ़ते हो तो कितनी मजदूरी तो मिलती है? नहीं मिलता, क्या मिलता है? जो 10 गांव है वो 5 मिलेगा, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, नहीं गांड खुशी करता है दिन को चुरगो रात को भी। तो फिर और क्या? तो पेट के लिए हर एक कोई निकलता है, क्या किसी का लाता है मजदूरी पर? क्या उधर होता है? ये नहीं है। एक को पालने में कितना मिलता है आपको? क्या पालने में? क्या 400 मिलता है, 450 क्या मिलता है? गवर्नमेंट क्या देता है? कुछ देता ही नहीं है। क्या करें जब मुकद्दर में लिखा अल्लाह मालिक ने खुशी है, और क्या करें? हाँ उससे बात है, बस मेहनत का दिन है, जायका नहीं दिया कुछ। ठीक है, जहाँ जहाँ माल का जहाँ जहाँ माल माल रुकता था वहाँ क्लोजर लग गया, बंद हो गया, वहाँ गार्ड साहब नजर नहीं दिया, हर जगह प्रबंध किया, क्या करें? हाँ तो भाई जहाँ तो हमारा माल माल अगर वैक्सीन कुछ भी होती है तो बोलते हैं खुद करो, कुछ भी नहीं मिलता है, खुद करो ना, तो कोई दवाई मिलती है। हम अपने आप को कर रहे, बस जंगल जो था हमारा रुकने का जगह वो भी किया उन्होंने क्लोजर से बंद। तो आप हमारा यही पेशा था, इसी पे रोजी रोटी का मसला था, ये भी समझो खत्म हो चुका था। हम सुबह हाजिर के लोगों ने महकमे इरीगेशन के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए महकमे पे इल्जाम आयद किया कि वाटर पंप होने के बावजूद भी उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि महकमे ने वाटर पंप की तामीर तो पहले से ही यहां पर किया, लेकिन उसकी खस्ता हाली के बाद उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अगरचे कई बार महकमे तक ये बात पहुँचाई, लेकिन आज तक कोई भी नतज सामने नहीं आई। वाटर पंप होने के बावजूद भी उनके जमीन खस्ता बंजर बन चुके हैं, क्योंकि आज खेतीबाड़ी के सीजन में है, उनके पास पानी ही नहीं है जिससे वो अपने फसलों की सिंचाई कर सके। उन्होंने जिला इंतजामिया से इस बारे में मुदाखलत की अपील की है ताकि इस साल वो अपने फसलों की सिंचाई कर सके। पेशे संबल बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे खान रशीद की एक रिपोर्ट। नाव शौकत अहमद शाह, तो अस मसले इत पे कि अच्छा यो त्रम थज ना बिल्कुल ये पे बिल्कुल नप पकान तो मगर इस बु शड तथा दो मोटर मगर वनकस प्रजेंटली तथा मोटर चलान सह सर्दी हार्स पावर मोटर इस आब खालान सह आब कम सह आब नोर वातान कहीं अमी नतीज दाई जन थजनार यप त्रम अगर तुम पान तु यप नजर तुम वो थजनार बिल्कुल खोश मज अगर ना दोन त्रेन दिन यप बिल्कुल आब इंतजाम गहन तेल बिल्कुल मुमकिन कि थजनार हकन अंद हेत नतीज नो न बिल्कुल फसल वजित कहें इसलिएमानीम बस्किनदार अशम जनाब अली अर्ज हुकूमत तम यह कि इरीगेशन सीजन वन वो तुम पान वबाई सूरत हाल से ईसा कि लुख काफ़ी आलरेडी परेशान पत्मो डो दो वर्य पे वह ज्यादा परेशान अत परेशानी। अब रशीद क्या मुश्किल तय बड़ बार प्रॉब्लम गा नो वनक तुम गुजारिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये गुजारिश कर बड़ बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम गए हल ग्रोव अत पंपस मगर हम वन लगन दह दह
دہی دہی پتہ آپ سیزن ختم گوت کیا کرو یپ گئی تھال تیر کھجنار آب کھین کرو کیا